नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वेद एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड पेडागॉजिक मेथड, जो कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में कई बार पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूँ। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का कम्प्लीट आंसर मैंने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप जाकर उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। तो इंग्लिश कंटेंट को जैसा कि मैं नॉर्मली अभी कर रहा हूँ, मैं स्किप कर देता हूँ। कंटेंट आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, और मैं हिंदी कंटेंट के साथ में आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, शब्द शिक्षा शास्त्र इस बात को परिचित करता है। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि शिक्षा शास्त्र आखिर है क्या। तो शब्द शिक्षा शास्त्र को इस बात की रणनीति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि शिक्षक व्यवहार और सिद्धांत में कैसे पढ़ाते, मतलब कि थियोरी में और प्रैक्टिकली टीचर जो भी क्लासरूम में पढ़ा रहा है उसे कैसे पढ़ाएगा, किस तरह से पढ़ाएगा, किन विधियों से पढ़ाएगा, और साथ ही साथ किन शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए बच्चों को किस उद्देश्य के साथ पढ़ाएगा। इन सारी चीज़ों का समामिश्रण ही होता है शिक्षण शास्त्र। तो शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक के शिक्षण विश्वासों के लिए एक आकार का कार्य करता है, और सांस्कृतिक और शिक्षण के विभिन्न तरीकों के बीच परस्पर क्रिया को जोड़ता है। मतलब कि शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम उन सारे विधियों से, उन सारे तरीकों से, उन सारे तथ्यों से और उन सारे शिक्षण प्रतिमानों से अपने आप को परिचित कराते हैं, जो कि एक अच्छे, एक आदर्श शिक्षक के रूप में हमें सीखने चाहिए। तो शिक्षण शास्त्र के मदद से हम उन विधियों का ज्ञान लेते हैं, उन विधियों के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उन विधियों का हमको अनुभव होता है, जिनके माध्यम से हम अपने क्लासरूम को, अपने कक्षा के प्रशिक्षण को, टीचिंग के माध्यम से हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो शिक्षण शास्त्र का अध्ययन हमें इस बात के लिए योग्य बनाता है, कुशल बनाता है कि हम अपने क्लासरूम को किस तरह से ज़्यादा सक्रिय रूप बना दें, ज़्यादा मनोरंजक बना दें, और किस तरह से छात्रों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी जो है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम उन सारी विधियों को सीखेंगे, डिस्कस करते हैं, और उन सारी चीज़ों का प्रयोग भी करते हैं जो कि हम एक शिक्षक के रूप में करना चाहते हैं। साथ ही साथ शिक्षण शास्त्र में हम उन विधियों का भी चयन करते हैं, या उनका हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, जो कि छात्रों के बारे में हमें बेहतर समझने में भी मदद करता है। शिक्षण शास्त्र शिक्षण रणनीतियों के अध्ययन से संबंधित होता है, और वे छात्रों को कैसे प्रभावित करते हैं इस बात का भी हमें ज्ञान देता है। ध्यान देंगे दोस्तों कि जो शिक्षण शास्त्र होता है शिक्षण रणनीतियों के अध्ययन से संबंधित होता है, और वो जो भी हम लोग रणनीतियाँ, जो भी तरीके, जो भी माध्यम इस्तेमाल करते हैं, जो भी शिक्षण सहायक सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम छात्रों के साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, उन सारी गतिविधियों का एक नियोजित तरीका होता है, समायोजन होता है, और इस बात का हमें ज्ञान देता है, इस बात का हमें अनुभव कराता है कि छात्र किस प्रकार से हमारे द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण विधियों से प्रभावित हो रहा है, या उसे कितना लाभ मिल रहा है, वो किस प्रकार से शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर पा रहा है, किस तरह से छात्र का जो है सर्वांगीण विकास हो पा रहा है। तो एक सुविचारित, अब यहाँ पे देखेंगे, एक सुविचारित अध्यापक अपने शिक्षण की गुणवत्ता और छात्रों के सीखने के तरीके में सुधार कर सकता है, जिससे उन्हें मौलिक सामग्री की गहरी समझ हासिल करने में मदद मिलती है। मतलब कि अगर हम अच्छे शिक्षण शास्त्र से परिचित हैं, हमारे अंदर शिक्षण शास्त्र के माध्यम से वो आवश्यक गुण, वो आवश्यक कौशल आ जाता है, तो हम अपने शिक्षण की प्रक्रिया में समय अनुसार, समय के अनुसार, छात्रों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक बदलाव कर सकते हैं, और जब आवश्यक बदलाव कर पाएंगे तो उससे छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। जब छात्र ज़्यादा लाभान्वित होंगे तो उनका प्रदर्शन भी बेहतर होता जाता है। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे कि हमें अपनी शिक्षण की प्रक्रिया में बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं, या बेहतर ढंग से समझने में भी मदद कर सकता है कि छात्रों को गहन शिक्षण प्राप्त करने में हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो कुछ प्रमाणिक और मानक शैक्षणिक विधियाँ हैं, हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पर जिन विधियों की चर्चा कर रहा हूँ वो आपके सिलेबस के अनुसार, इसके अलावा भी बहुत सारी विधियाँ आपको देखने के मिलेंगी, लेकिन जिन विधियों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वो प्रमुख विधियाँ हैं, और इसी के अंतर्गत और भी आपको जो है सहायक विधियाँ, शिक्षण सहायक विधियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो प्रमुख जो विधियाँ हैं यहाँ पर हमारे पास में, मैं उनको दिखा रहा हूँ। सीखने की अवधारणा का गठन, यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन
मेथड ऑफ टीचिंग, विधि आधारित इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और परियोजना आधारित शिक्षण यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इस तरह की ये तीन जो विधियाँ हैं ये हमें मदद करती हैं बेहतर तरीके से शिक्षण की प्रक्रिया को संचालित करने। तो एक शिक्षक के रूप में अगर आप इन तीन प्रमुख विधियों से परिचित हैं तो कहीं ना कहीं इन तीनों विधियों का आप इस्तेमाल समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, छात्रों की शैक्षिक और मानसिक योग्यता के अनुसार आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका शिक्षण बेहतर होगा, छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलेगा और छात्र बेहतर तरीके से अपने प्रदर्शन में सुधार भी कर पाएंगे। जैसा कि प्रश्न है कि हमें स्टैंडर्ड पेडागॉजिकल मेथड्स के बारे में बताना है, तो तीन प्रमुख विधियाँ यही हैं और उसमें से किसी एक की चर्चा करनी है तो हम इनमें से या तो अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया की बात कर सकते हैं, या फिर पूछताछ आधारित शिक्षण की बातचीत कर सकते हैं, या योजना आधारित शिक्षण किसी एक की यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, पूछताछ आधारित शिक्षण है, उसको यहाँ पर आपके साथ में चर्चा करता हूँ। स्टैंडर्ड पेडागॉजिक मेथड्स के बारे में बताने हैं कि बहुत सारे जो मान्य शिक्षण शास्त्र विधियाँ उनमें से किसी एक को, तो हम यहाँ पर चुनाव कर रहे हैं पूछताछ आधारित शिक्षा के, मैं इसलिए इसका चुनाव कर रहा हूँ। वैसे तो सारी विधियाँ बहुत ही सरल हैं और काफ़ी मनोरंजक यानी कि आपको सीखने योग्य है, बट मैं इसका ही डिस्कशन यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए, जो पूछताछ आधारित शिक्षण होती है सक्रिय शिक्षण का एक प्रारूप है। इसमें सक्रिय रूप है जो कि प्रश्नों, समस्याओं या परिदृश्यों को प्रस्तुत करने से स्टार्ट होता है। यानी कि जब इंक्वायरी बेस्ड यानी कि पूछताछ आधारित शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार में शिक्षण आरंभ करने से पहले ही हम कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, किसी विषय के बारे में चर्चा करने से पहले, हम उस विषय की शुरुआत जो है प्रश्न के साथ करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर जगह हमें भारत की सभी नदियों के बारे में चर्चा करना है आगे आने वाले दो तीन क्लासेस में, तो हम स्टार्ट करेंगे कि क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कितनी नदियाँ। इस तरह के प्रश्नों से हम एक प्रकार से एक भूमिका का निर्माण करते हैं, बच्चों के अंदर उत्सुकता पैदा करते हैं, उनसे ही प्रश्न करते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर के स्वरूप में ही हम उनसे उत्तर लेते हुए धीरे धीरे जो है विषय को आगे बढ़ाते हैं। यह एक पारंपरिक शिक्षा से अलग तरीका है जो आमतौर पर विषय के बारे में तथ्य और अपने स्वयं के ज्ञान को प्रस्तुत करने वाले शिक्षक पर ही निर्भर करता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप बच्चों से किस प्रकार का प्रश्न करने वाले, क्योंकि ये पूछताछ आधारित शिक्षण है, यहाँ पे प्रश्न आप पूछते हैं, कई बार छात्र भी पूछते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी आपके हाथों में ही होती है कि इस प्रक्रिया का संचालन, इस शिक्षण विधि का यानी जिसमें कि पूछताछ आधारित शिक्षा होगी उसको आप किस तरह से कंडक्ट करेंगे, संचालित करेंगे। तो आपके अंदर इसका कौशल होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न कौशल आपके अंदर होना चाहिए, आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए किस प्रकार से आप जो है इंटरोगेटिंग क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे कि जवाब में आपको एक नए टॉपिक की जानकारी मिले और जिससे कि आपका विषय धीरे धीरे करके आगे बढ़े। तो पूछताछ आधारित शिक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता दोनों के रूप में ही कार्य करते हैं और छात्र को प्रश्न तैयार करने और उनके उत्तर खोजने में भी मदद करते हैं। तो शिक्षक एक खोजकर्ता के रूप में, एक सहायक के रूप में, एक मददकर्ता के रूप में काम करता है और स्टूडेंट्स ही प्रश्न भी करते हैं और प्रश्न के उत्तर भी ढूंढते हैं। छात्र प्रश्न करते हैं कि सर अभी मुझे लग रहा है कि हमारे देश में 25 नदियाँ हैं, लेकिन हो सकता है कुछ नदियाँ जो हैं भारत के हिस्से में नहीं हैं, तो फिर बोलते हैं कि कौन सी नदियाँ भारत के हिस्से में नहीं हैं या भारत में इनका उद्गम नहीं। तो इस तरह से प्रश्न भी करते हैं और शिक्षक उनको मदद करते हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी करने ढूंढने में। पूछताछ आधारित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है जो छात्रों को रिसर्च, पूछताछ और उच्च स्तरीय चिंतन के माध्यम से वास्तविक दुनिया के साथ अपने ज्ञान को जोड़ने में काफ़ी सरलता से और काफ़ी सार्थकता से मदद करती है। पूछताछ आधारित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है जो छात्रों को रिसर्च, पूछताछ और उच्च स्तरीय चिंतन के माध्यम से वास्तविक दुनिया के साथ अपने ज्ञान को जोड़ने का अवसर देती है। साथ ही साथ यह सीखने का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो छात्रों को समस्या समाधान और अनुभवात्मक सीखने में संलग्न होने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो आप प्रश्न करते हैं, उसे आपको नया नया एक तरह से बोले आपको चैलेंज मिलता है, उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके उत्तर ढूंढते हैं, तो आपका अनुभव भी बढ़ता है और अनुभव के माध्यम से जो है आप अपने आसपास के बारे में जानते हैं, अपनी जिस विषय के बारे में आप खोज कर रहे हैं या जिस विषय के बारे में प्रश्न कर रहे हैं उसके बारे में भी आपकी समझ बढ़ती है।
पूछताछ आधारित शिक्षा अक्सर एक ऐसे प्रश्न के साथ शुरू की जाती है जो एक बार में उत्तर देने के लिए बहुत बड़ा होता है और काफ़ी कठिन होता है। एक ऐसा प्रश्न शुरू होता है जिसको कि आप एक बार में उत्तर दे ही नहीं सकते, जैसे कि इस धरती पर हमारा विकास कैसे हुआ, मानव विकसित कैसे हुआ, मानव धरती पर कैसे आया, या फिर कितने प्रकार के खनिज, पेट्रोल कैसे आपको मिलता है, इस तरह के प्रश्न जिसका कि जवाब आप एक बार में नहीं दे सकते। अगर आपको पता करना है कि पेट्रोल आपको कैसे मिलता है तो फिर आपको पता करना पड़ेगा कि खनिज के रूप में पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है, पेट्रोल की संसाधन यानी कि प्रोसेसिंग कैसे होती है, कच्चा तेल पेट्रोल डीजल केरोसिन के रूप में कैसे रूपांतरित होता है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो एक बड़े प्रश्न से शुरू किया जाता है और उस बड़े प्रश्न को छोटे छोटे हिस्सों में उसका प्रश्न के रूप में उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता है कि जिसके शिक्षार्थी समझ में आए। तो शिक्षक बीच बीच में इस प्रश्न के उत्तर देने के उद्देश्य से शिक्षार्थियों को कुछ कुछ सुझाव भी देता है, मदद करता है कि आप इस बड़े प्रश्न को किस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में देख सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं और इस प्रश्न का अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ आंशिक जानकारी और सुझाव देता है जो छात्रों को प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने में मदद करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम बच्चों के द्वारा कुछ नया सीखना ही होता है, जो उनके द्वारा लिखे गए किसी लेख या किसी प्रश्न का जवाब या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना या परीक्षा में या किसी प्रोजेक्ट में बेहतर प्रदर्शन करने के माध्यम से आप देख सकते हैं। पूछताछ आधारित शिक्षा को आप संचालित कैसे करें? तो छात्रों को निर्देशित अनुसंधान, दस्तावेज विश्लेषण और प्रश्न उत्तर सत्र का संचालन जैसी विधियों के माध्यम से आप जो है पूछताछ आधारित शिक्षण का संचालन करते हैं। आप निम्न रूप से पूछताछ आधारित गतिविधियों को अपने क्लासरूम में चला सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से क्लास चला सकते हैं। किसी विषय विशेष का अध्ययन या केस स्टडी आरंभ करके समूह परिजन समूह में बच्चों को कुछ छोटे छोटे काम देकर भी आप उस विषय में किसी विषय के बारे में उनको उत्तर ढूंढने या उस विषय के बारे में रिसर्च के लिए भी बोल सकते हो, और अनुसंधान वाला भी काम जो है वो भी कर सकते हो। यस, फील्ड वर्क, भ्रमण और आंकड़ों को इकट्ठा करना विशेष रूप से विज्ञान के पाठों के लिए, या कुछ ऐसे तथ्यों या जानकारियों से परिचित करवाना जो आपके छात्रों के अनुरूप अद्वितीय अभ्यास हो, अर्थात कि ऐसे गतिविधियों का संचालन करना जिसके माध्यम से जो है छात्र जो बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। पूछताछ आधारित शिक्षा के लाभ, देखिए 8 नंबर के प्रश्न में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला, पाठ्यचर्या सामग्री की समझ जो है बहुत बेहतर तरीके से हो पाती है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि हम प्रश्न उत्तरी के माध्यम से सीखते हैं, तो जो हमारी समझ होती है बहुत ही ज़्यादा मजबूती से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से विकसित होती है। सीखने के लिए मस्तिष्क का वार्म अप करना होता है, तो मस्तिष्क जो है हमेशा एक्टिव रहता है पूछताछ आधारित शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान। पाठ्य सामग्री की गहरी समझ को बढ़ावा भी देता है, क्योंकि हम एक स्थान पर या एक विषय में प्राप्त जानकारी को दूसरे विषय के साथ में जोड़ कर देखते हैं, तो अंतर विषय ज्ञान भी हमारा बढ़ता है। सीखने को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने में यह मदद करता है, क्योंकि हम अपनी जानकारी अपने अनुभव को अलग अलग परिस्थितियों में परीक्षण करते हैं, उसका उपयोग करके नए प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जो है पूछताछ आधारित शिक्षा जो है हमारे सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, अधिक उपयोगी और अधिक सरल बनाती है। छात्रों के अंदर पहल करने का और आत्मनिर्देशन के कौशल का भी विकास होता है। तो छात्र आगे बढ़कर प्रश्न करते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, अपने उत्तर दूसरे के साथ साझा करने में जो पहले संकोच हुआ करता था, वो संकोच भी उनके अंदर से दूर होता है। तो इस तरह के लाभ जो है आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार का शिक्षण जो है, यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, पूछताछ आधारित शिक्षण, ये किसी भी प्रकार के क्लासरूम में किसी भी प्रकार के शैक्षिक वातावरण में संचालित आराम से किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत शिक्षण और सामूहिक शिक्षण दोनों के लिए उपयुक्त है। बच्चे सकारात्मक अधिभंग के माहौल में अपनी गति से सीख सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। बच्चे के प्रश्न पूछने और सीखने के अपने मार्ग का निर्धारण और अनुसरण करने के लिए स्वतंत्रता होती है, इससे उन्हें अपने पसंद और जानकारी के अनुसार कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षक अपनी पाठ योजना को आकार देने और छात्रों को उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए विद्यार्थी के ही प्रश्नों का उपयोग करता है, उनके ही प्रश्नों से दूसरे प्रश्न बनाता है। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए प्रतिबिंबन का कार्य भी करता है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। कई कक्षा चर्चाओं में भाग लेकर बच्चे अधिक आत्मविश्वास से परिपूर्ण भी होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि आत्मविश्वास बढ़ता है।
बच्चे बड़े प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं और उनके अंदर ऐसे कौशल और आत्मविश्वास का भी संचालन होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास आता है। यह एक ऐसी शिक्षण सक्रिय प्रक्रिया जिसमें जिसका अर्थ बच्चे अपने अंदर सीखने की प्रक्रिया के सकारात्मक रूप में शामिल होने के रूप में देखते हैं। इसलिए उन्हें जो सीख मिलती है या उन्हें लंबे समय तक जो भी चीज़ें सिखाया जाता है वो उसे लंबे समय तक याद रखते हैं, क्योंकि इसमें खुद के प्रश्न का उत्तर उन्हें खुद ही ढूंढा है, उनका अनुभव खुद निर्माण किया उन्होंने, तो इसीलिए जो भी चीज़ें सीखते हैं वो लंबे समय तक याद रखते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको बहुत ही सरलता से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।